GSI, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसा मिला है जिसके बाद इंडिया की किस्मत कुछ ऐसे बदल सकती है जैसे सऊदी अरेबिया की ऑयल रिजर्व मिलने के बाद बदली थी। एक्चुअली में GSI को वाइट गोल्ड मिला है 5.9 मिलियन टन्स। जैसे ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके इंटरनेशनली अनाउंस किया, वैसे ही भारत के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे और एक टेररिस्ट ग्रुप ने इंडिया को धमकी भी दे डाली। कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो गिद्ध की तरह मंडरा रही हैं और कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जल्दी जल्दी दो टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। वाइट गोल्ड लिथियम आयन को कहा जाता है, जो कि एक एलिमेंट है 5.9 मिलियन टन, जिसको अगर हम लोग KG में कन्वर्ट करें तो 5 अरब 90 करोड़ KG। पार्ट टू, आखिर लिथियम रिजर्व्स को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्या खास है इनमें? लेट मी टेल यू, लिथियम अ हम्बल बट रेयर एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल ग्लोबली। वी ऑल नोज दैट द टाइम एंड ट्रेंड एंड नीड ऑल वर चेंजिंग। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑल रिजर्व्स एंड फॉरेस्ट एक्सेसिव यूज़ के वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। That's why everyone is turning to the electric power like solar energy, hydroelectric energy and wind turbine. लोग vehicles को EV यानी electric vehicle और जो भी gadgets हैं उनको battery based module में convert कर रहे हैं, और battery में सबसे important component होता है lithium ion, और इसी में India के पास इतना बड़ा untouched lithium ion का reserve लगना ऐसा है जैसे इंडिया की चांदी चांदी होना। इससे पहले इंडिया को हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपीस का लिथियम चाइना से इम्पोर्ट कराना पड़ता था। ये जैकपॉट इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। प्रॉब्लम नंबर 1, आफ्टर अनाउंसिंग दिस इंटरनेशनली, टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद, जी हाँ जैश ए मोहम्मद जिसका हाथ पुलवामा अटैक जैसे टेररिस्ट अटैक में था, वही जैश ए मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दे डाली कि जो कोई उनके रिसोर्सेज, उनके यानी जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को एक्सक्यूवेट करने की कोशिश करेगा उसे वो ख़त्म कर देंगे। इस टेररिस्ट ग्रुप ने कश्मीरियों को भी उकसाने की कोशिश करी, पर जाहिर है इंडिया इन धमकियों से डरने वाला नहीं है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑफिशियली ये बात कन्फर्म कर दी है कि बहुत जल्दी वहाँ पर लिथियम माइनिंग शुरू होने वाली है। सेकेंड प्रॉब्लम, गिद्ध US इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। जैसी ये बात मोदी जी ने अनाउंस करी, उसके अगले ही दिन US ने अपना नेगोशिएटर डील साइन करने के लिए इंडिया भेज दिया। वो डील के तहत उनको मतलब वो चाहते हैं कि वो एक जॉइंट ऑपरेशन करे लिथियम को निकालने का, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर कर ले। अब इंडिया उस डील को साइन करेगा या नहीं करेगा, US का साथ लेगा या नहीं लेगा, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में कोई जानकारी फ़िलहाल बाहर नहीं आ पा रही है। पर हाँ, आप लोग एक मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जानने के लिए।